तुमने इतनी देर कर दी आने में। तुम थाने में थोड़ा टाइम था तो इसलिए मैं आके बैठी। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती। ओ, मैं आज इतना खुश हूँ हसन, तुम्हें मैं बता नहीं सकती। तुम्हें पता है मेरी फेवरेट पार्टी पे क्या हुआ था जब तुम मुझे कॉलेज पिक करने आए थे? मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मेरी सारी फ्रेंड्स हसन को देख के पागल हो गई कि किरण तुम्हारा कजन इतना प्यारा है। अरे बस भी करो किरण, शादी हो गई है मेरी, मरवाओगी तो मुझे? Zoya, I'm so sorry. I know तुम्हें बहुत awkward फील हो रहा होगा, तुम्हें हमारी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, तुम्हें लग रहा होगा जैसे हम aliens की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हैं? हसन है ही ऐसा, वो एक्चुअली हसन मेरे बहुत करीब है, मेरे बचपन का दोस्त है। हमारे इतने जोक्स हैं कि तुम्हें समझ नहीं आएगी, और अगर हम तुम्हें समझाने लगे तो खुद ही हंस पाएंगे। क्यों हसन? वाकई में नहीं, इट्स ओके, तुम लोग करो बात। वैसे किरण, कल जो तुमने सुलह करवाई है ना पप्पू और सोया के बीच में, मेरे और बाबा के बीच में, उसके बाद तो वाकई में तुम्हारा फैन हो गया। अरे ऐसे नहीं बोलो, तुम्हारी बीवी को बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं, पप्पू बिल्कुल ठीक कहती है, तुम हमारे घर में अमन की फाख्ता हो। बल्कि मैंने तो सोच लिया कि तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा मैं। क्यों, तुम मेरी शादी क्यों नहीं होने दोगे? भाई तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम घर से चली जाओगी, और घर से चली गई तो ये सुलह सफाइयां कौन करवाएगा? हाँ, कितने सेल्फिश हो तुम। सेल्फिश ही ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम अपनी पढ़ाई रिज्यूम क्यों नहीं कर रही? अपनी पढ़ाई रिज्यूम करते हूँ मैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत बोर होती हूँ। सबसे पहले सुबह वैन मुझे पिक करती है और फिर एंड पे मुझे ड्रॉप करती है, और इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पे तो मेरा दिल करता है मैं कभी कॉलेज ही नहीं जाऊँ। बहुत बोरियत होती है मुझे वैन में, मैं क्या करूँ। तो इसमें क्या बड़ी बात है, तुम एक काम करो, तुम अपनी पढ़ाई रिज्यूम करो, मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दे दूंगा। सर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।